हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेथन। सो आज हम फिर से केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं। मैं हूं अभिषेक और हमने अपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था मैटर के बारे में, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि मैटर के फॉर्म्स क्या होते हैं और हमने जो स्टेट चेंज किया के बारे में पढ़ा था मैटर का, उसको बस हमने क्या ना डेफिनेशंस पढ़ा था। आज हम लोग उसको और डिटेल में पढ़ेंगे और स्टेट चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेट चेंज क्या है वो हम समझते हैं। हमने आपको क्या कहा था कि मैटर के तीन डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, करेक्ट। सो स्टेट चेंज क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। मतलब जो सब्सटेंस है, सपोज वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो वो सॉलिड जब लिक्विड या फिर गैस में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो सॉलिड कैन चेंज टू लिक्विड एज वेल एज गैस, ठीक है। लिक्विड कैन चेंज टू गैस एज वेल एज सॉलिड, ठीक है। गैस कैन चेंज टू लिक्विड एज वेल एज सॉलिड, ओके। तो ये जितने भी स्टेट चेंजेस या जितने भी कन्वर्शन इंटर कन्वर्शन हो रहे हैं विद इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर, इस प्रोसेस को हम स्टेट चेंज कहते हैं। इसे हम चेंज ऑफ फेज या स्टेट ट्रांजिशन भी कहते हैं, ठीक है। चेंज का मतलब क्या हुआ? बदलाव एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो स्टेट को ही हम फॉर्म या फेज भी कहते हैं, ठीक है। मैटर के ये क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं और डिफरेंट फेजेस भी हैं। तो इन्हें हम तीनों नाम से बुला सकते हैं। वी कैन कॉल देम स्टेट, वी कैन कॉल देम फॉर्म, वी कैन कॉल देम वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज फेज, ठीक है। और देयर बाय वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज चेंज और ट्रांजिशन, वेदर इट इज वेदर इट इज change from solid to liquid or liquid to gas, we can call it as transition between the different forms as well. समझ में आ गया ये? ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और individually एक एक state changes को और detail में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम state change के बारे में पढ़ेंगे वो है सॉलिड से लिक्विड, ठीक है। सो सॉलिड से लिक्विड, आप सबको पता है सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या है? सॉलिड एक हाईली कॉम्पैक्ट डेंसली पैक्ड सब्सटेंस का स्ट्रक्चर होता है सॉलिड में, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होती है और बहुत ज्यादा उनमें मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकुलर साइज है बहुत ही कम होता है, जिस कारण से पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाती हैं और जिस कारण से सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड मास होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो ये सारे सॉलिड के फीचर्स थे, ओके। अभी लिक्विड के फीचर्स क्या थे? लिक्विड में क्या होता है ना, पार्टिकल्स उतने डेंसली पैक नहीं होते हैं, पार्टिकल्स उतने एक दूसरे के साथ सटे हुए नहीं होते हैं। दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, होता है बट कम होता है। जो इंटर पार्टिकुलर गैप होता है, मतलब दो पार्टिकल के बीच का जो गैप, वो भी काफी कम होता है, वो भी सॉलिड के कंपैरिजन में वो गैप ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड और लिक्विड के फीचर्स, डिफरेंट फीचर्स। अभी जो चेंज ऑफ स्टेट है वो कैसे हो रहा है? सॉलिड का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये क्रिस्टल लैटिस के बारे में हम और आगे की क्लासेस में बताएंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए सॉलिड का एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है। अब लिक्विड
कैसे होता है, जब वो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, टूटता है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अभी वो कैसे हो सकता है, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, आपको प्रेशर देना पड़ता है, आपको हीट देना पड़ता है, करेक्ट। सो यहां पे भी हीट का और प्रेशर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो आप सॉलिड को जब आप उसमें हीट सप्लाई करते हैं, किसी भी चीज में आप हीट सप्लाई करते हैं, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस में, तो फिर वो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो दूर होने लगते हैं, ठीक है। उनके अंदर रैंडमनेस आ जाता है, रैंडमनेस का मतलब होता है अस्थिरता। सॉलिड जो सब्सटेंस है उसके विद इन जो पार्टिकल्स है वो अस्थिर होने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, मोशन में आ जाते हैं। सॉलिड जनरली उसमें मोशन नहीं रहता है, जनरली वो बहुत ही मतलब एक ही जगह पे ही फिक्स्ड रहता है, लेकिन आप जब भी उसको हीट प्रोड्यूस, आप जब भी उसमें हीट सप्लाई करते हैं तो वो और ज्यादा उसमें मोशन जनरेट होता है, वो वाइब्रेट करने लगता है एंड उसमें वो रैंडमनेस बढ़ जाता है। जैसे वो रैंडमनेस बढ़ता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वीक पड़ने लगता है, कमजोर होने लगता है। एज अ रिजल्ट क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, एक दूसरे से अलग होते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे वो अलग हो रहा है, दूर हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है ना, वो उसका डेंसिटी कम हो रहा है, उसका वॉल्यूम मतलब वो सारी जो फीचर्स है वो चेंज हो रही है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने को मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग मतलब पिघलना। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड जो चेंज ऑफ स्टेट है उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। और जिस पॉइंट ऑफ टाइम में या जिस टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मेल्ट होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर में सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उस पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस का। जैसे फॉर एग्जांपल आइस, आइस इज अ वेरी कॉमन सॉलिड, वो मेल्ट होके क्या होता है, वाटर होता है। तो हमें ये पता है कि हम बर्फ को जब पिघलाते हैं तो उसको हीट करते हैं, या तो हम उसको फ्रिज से निकाल के खुला छोड़ देते हैं, फ्रिज में तो उसको और जो है कोल्ड टेम्परेचर मिल रहा है, तो अगर हमें उसे पिघलाना होता है हम क्या करते हैं, उसको बाहर खुले में छोड़ देते हैं, रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं उसको गैस पे चढ़ा देते हैं एक मतलब वेसल में, और उसमें हम आइस डाल के उसको हम हीट करते हैं। तो हम क्या करें, इवेंचुअली हम उसमें एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो ये सिंबल जो है ये हीट का सिंबल है, ठीक है। तो सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मतलब ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस है ये कंप्लीटली हीट सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हीट जो है वो कंज्यूम कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है, हीट उसको मिल रहा है, और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो हीट मतलब गेन करके वो जो कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब आइस का मेल्टिंग पॉइंट आप लोग सबको पता है क्या है, आप लोग बताइए। हाँ, आइस हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, ठीक है। मेल्ट होना स्टार्ट होता है एक्चुअली, मतलब जब भी हम 100 डिग्री सेल्सियस हीट देते हैं आइस को तब वो मेल्ट होता है, तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ओके, ठीक है। अभी हम इसका उल्टा पढ़ेंगे, लिक्विड टू सॉलिड। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए हमें उस पे उसको एनर्जी देना पड़ा, बाहर से हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा, तो वो मेल्ट होके लिक्विड हुआ। लिक्विड को अगर हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हमें उससे एनर्जी निकालना पड़ेगा, मतलब एनर्जी जो है उसको लूज करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा।
जब भी लिक्विड एनर्जी रिड्यूस करेगा तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स और पास आएंगे, उनका इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकुलर गैप, और जब जैसे जैसे वो गैप जो है कम होता जाएगा, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, वो लिक्विड मतलब क्या होता है, वो मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते हैं एंड देन वो सॉलिडिफाई होते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, लिक्विड से जो सॉलिड बनता है, इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर हमें हटाना पड़ता है, टेम्परेचर हमें रिमूव करना पड़ता है, हमें एनर्जी जो है लिबरेट करना है, मतलब हमें नहीं, वो लिक्विड जब भी एनर्जी लिबरेट करती है तभी वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया, सॉलिड से जब वो लिक्विड कन्वर्ट होता है तब हम एनर्जी देते हैं, लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तब एनर्जी वो रिड्यूस करता है या लिबरेट करता है। कॉमन एग्जाम्पल, लिक्विड पानी, उसको जब हमें बर्फ बनाना होता है, सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है, हम क्या करते हैं, हम उसको कोल्ड टेम्परेचर में रख देते हैं, हम उनको फ्रीज में रख देते हैं, राइट। तो अभी जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर में वॉटर या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अभी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स टू सॉलिड, ठीक है। जिस टेम्परेचर में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो पानी का या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री में वो सॉलिडिफाई होता है, यानी वो बर्फ में या आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे लिक्विड्स हैं जिनको हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं, नॉट जस्ट वाटर बट बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं लिक्विड के। अब हम जो नेक्स्ट फेज ट्रांसफर या फेज चेंज देखेंगे वो है लिक्विड से गैस। लिक्विड से गैस जो कन्वर्ट हो रहा है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग मतलब जब भी लिक्विड को हम और हीट देते हैं, अगेन लिक्विड क्या होता है, लिक्विड के भी पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से दूर होते हैं, एक दूसरे के बीच में उनका गैप बहुत ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, लेकिन जब हम लिक्विड को और ज्यादा एनर्जी उसको ऐड करते हैं, और ज्यादा उसमें हम हीट देते हैं, प्रेशर रिड्यूस करते हैं, तब वो गैस में, गैस की तरफ बढ़ता चला जाता है, उसका फेज चेंज होकर गैस की तरफ बढ़ता जाता है एंड वो और ज्यादा मतलब वॉलेटाइल हो जाता है, और ज्यादा उसका रैंडमनेस बढ़ जाता है, और वो मतलब उसका जो मतलब क्या बोलते हैं, एक ही जगह पे कन्फाइंड रहने का जो क्षमता है, एक ही जगह पे फिक्स्ड रहने का जो क्षमता है वो कम होते जाता है, और वो क्या है, नेचर में वो फैलने लगता है, नेचर में वो स्प्रेड होने लगता है, ठीक है। वो ढूंढता है कि मुझे और स्पेस चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो वो जो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वॉटर यानी लिक्विड को हम जब हीट देते हैं, आप घर पे देखते होंगे ना कि आप एक वेसल में पानी लेकर जब आप उसको हीट करते हैं, जब गैस पे चढ़ाते हो, तो वो एवोपोरेट हो जाता है। एवोपोरेट मतलब वेपर फॉर्म हो रहा है, वेपर मतलब क्या ना, गैस, स्टीम, ओके। तो जिस टेम्परेचर में लिक्विड यानी पानी स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अभी वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आप सबको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर।
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है न टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड टू गैस. जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू होता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. एंड ये क्या है, हीट गेन करके होता है, हीट सप्लाई करना होता है तभी जाके ये होता है. प्रीवियस केस में जैसे सॉलिड में भी जब हम हीट देते थे तो वो लिक्विड होता है, अगेन लिक्विड में जब हम और हीट देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा. सो दिस वे दिस आई मीन दिस चेंज ऑफ फॉर्म ऑलवेज नीड्स हीट सप्लाई. ठीक है, जो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस होता है ना वो हमेशा हीट चाहिए, उसको अब्सॉर्ब करेगा, सप्लाई करना पड़ता है हमें बाहर से हीट. और उसका जो रिवर्स होता है उल्टा, उसमें हीट लिबरेट होता है, हीट हमें रिड्यूस करना होता है. ठीक है, सो अब हमने अभी तक हमने देखा कि सॉलिड से कैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से कैसे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, एंड लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस से वो बैक टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. ये प्रोसेसेस हमने डिस्कस किया. अभी नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, सॉलिड से वो डायरेक्टली कैसे गैस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द इंटरमीडिएट लिक्विड फॉर्म. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड से राइट साइड जब भी वो कन्वर्ट हो रहा है चेंज ऑफ स्टेट, हम उसमें हीट दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग हीट. ओके, वी आर सप्लाइंग हीट. तो सॉलिड को जब आप और एनर्जी या हीट उस पर आप उसको प्रोड्यूस उसको सप्लाई करते हो, उसको आप देते हो, तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है. तो कुछ कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वो गैस में कन्वर्ट होता है. नॉर्मली आइस क्या है, वो तो लिक्विड बनता है फिर वाटर फिर वो गैस बनता है. लेकिन कुछ कुछ सॉलिड जैसे कोल हो गया, ठीक है, चारकोल कोयला आप लोग सबको पता है. तो कोयला जब भी आप मेल्ट जब भी आप उसको हीट करते हैं, जब भी आप उसको एनर्जी उसमें सप्लाई करते हैं, तो वो तो पिघलता नहीं है, वो मेल्ट नहीं होता है, राइट. उसमें सब तो जो कोल होता है उसमें क्या है कि वो डायरेक्टली हीट मिलने पे एनर्जी गेन करने पे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता है, वो मेल्ट नहीं होता है. आप लोगों ने कभी भी कोयले को मेल्ट होते हुए तो नहीं देखा होगा, वो डायरेक्टली जो है वेपर बन जाता है, धुआं हो जाता है, ठीक है, गैस में कन्वर्ट होता है. तो इस प्रोसेस को सॉलिड से गैस जो कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन. एंड इसमें भी हीट या एनर्जी का इनटेक या सप्लाई होता है. ओके, जैसे मैंने आपको बोला कोयला, वैसे ही केमिकल लैब्स या केमिस्ट्री लैब्स में भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं. ठीक है, सॉल्ट्स जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनको जब भी हम हीट देते हैं तो वो इंटरमीडिएट लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होकर डायरेक्टली गैस बन जाते हैं, वेपर बन जाते हैं. ठीक है, जो नॉर्मल कॉमन सॉल्ट जो आप घर पे देखते हो नमक, उसको तो आप अगर थोड़ा सा भी हीट दोगे तो वो पिघल के क्या होता है, वो लिक्विड हो जाता है. लेकिन कुछ कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी होते हैं जो डायरेक्टली गैस बन जाते हैं विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ओके, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. अभी इसका जो उल्टा है, गैस से जो सॉलिड बनता, बहुत सारे ऐसे भी गैसेस हैं जिनको हम डायरेक्टली सॉलिडिफाई कर सकते हैं. कैसे, उसको कोल्ड करके, उसको कूल करके, उसमें से जो है हीट या एनर्जी को लिबरेट करके, रिमूव करके, रिड्यूस करके. ठीक है, उस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं. ठीक है, डायरेक्टली गैस से वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है. कैसे ना, जैसे ही हम गैस में एनर्जी को माइनस करते हैं, जैसे वो एनर्जी को रिड्यूस करता है, लिबरेट करता है, वो सॉलिड बन जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी माइनस हो रहा है. ओके, तो बहुत सारे ऐसे गैसीय सब्सटेंसेस है जो डायरेक्टली सॉलिडिफाई हो जाते हैं.
एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा कि फैक्ट्रीज में आप देखेंगे जो चिमनी चिमनी होता है ना, जिसमें से धुआं निकलता है गैसेस, वो जब ठंडा होता है तो वो सूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सूट एक ब्लैक कलर का पाउडरी सब्सटेंस है, ठीक है, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, धुएं से या गैस से डायरेक्टली वो सूट में यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है ना, जो एयर या ब्रीज होता है वो जो लीफ होता है ना, जो पेड़ पौधे पत्तों के सरफेसेस में वो जो एयर है वो डायरेक्टली सॉलिडिफाई होके वो फ्रॉस्ट की तरह या वो जैसे स्नो की तरह वो सॉलिडिफाई होके वहां पर सरफेस पे वो डिपॉजिट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम डिपॉजिशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आज हमने क्या क्या टॉपिक्स के बारे में जाना ना। आज हमने सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस कन्वर्शन जाना, जिसमें कि हीट हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। जब भी हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं वो गैस बनता है, और हम सॉलिड को भी डायरेक्टली हीट करके गैस बना सकते हैं। रिवर्स में क्या हमने जाना, गैस को हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड बनता है, लिक्विड को और ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड बनता है। एंड कुछ कुछ गैसेस ऐसे भी होते हैं जिनको हम डायरेक्टली ठंडा करके सॉलिड बना सकते हैं इंटरमीडिएट लिक्विड के बिना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमें और देखना चाहेंगे कि एजुकेथन की वीडियोस आप और भी ज्यादा रेगुलरली देखना चाहेंगे तो आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें हमारे वीडियोस, और उन्हें भी हमारे बारे में बताएं और उन्हें भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीक। थैंक यू सो मच।